दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित आप सभी के सामने एक बार फिर से हमारे नवजीवन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमने हमारे जो टॉपिक चल रहा था सरकार के अंग, उसमें हमने सरकार के अंग चल रहे थे उसमें हमने संसद का गठन देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, राज्यसभा का गठन। तो आज हम देखेंगे कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, उसके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मेरा वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं आज राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया है, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख हमें मिलता है। मैं पूर्व हमारे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हमारे राज्यसभा हमारे उच्च सदन है और स्थायी सदन है। दोस्तों, ये स्थायी सदन क्यों है हमारा? क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता, ये कभी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन दोस्तों, हमारा राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे हम कुल सदस्य संख्या, इनकी जो कुल सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है कुल सदस्य संख्या, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो 12 व्यक्ति कौन से होते हैं जो अपने साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट होते हैं। ये हमारा जो मनोनीत का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में नहीं था दोस्तों। ये जो मनोनीत का प्रावधान है जो हमारे संविधान में नहीं था, तो इसलिए हमने आयरलैंड के संविधान से ये लिया था। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ये मनोनीत का प्रावधान लिया था। अब देखते हैं शेष इसमें हमारे 238 जो विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों, 238 हमारे शेष रहते हैं वो राज्य संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। अब वर्तमान में अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो हमारे वर्तमान में सदस्य संख्या है 245। ठीक है दोस्तों, 245 में अगर हम बात करें, जिसमें 229 हमारे विभिन्न राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, 4 संघ राज्य से निर्वाचित होते हैं, इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति से द्वारा। इसी प्रकार 229 प्लस 4 प्लस 12 हमारे होते हैं 245। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इतना आप सबको समझ में आया होगा। टेक्निकल टीम, नेक्स्ट पेज। थैंक यू टेक्निकल टीम। तो हम अब पढ़ रहे हैं राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों का आवंटन। दोस्तों, आवंटन किस प्रकार होता है? जिस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है उसके सबसे ज्यादा सदस्य निर्वाचित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे संविधान की चौथी अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर ये कहा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसके सदस्य उतने ही निर्वाचित होंगे। वहीं पर हम बात करें गोवा, मणिपुर, बात करें हम गोवा की, मणिपुर की, मेघालय में एक एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। बात करें हम राजस्थान से, तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने दोस्तों? 10 सदस्य निर्वाचित होता है राजस्थान से, राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं।
16 सितंबर यानी कल ही जो एक एग्जाम हुआ था पीटीटी का, जिसमें फर्स्ट पारी 9 से 12, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, और अगर आपको लोकसभा का पूछे तो लोकसभा में 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट पेज टेक्निकल टीम, थैंक यू टेक्निकल मैन। हम आज देखेंगे अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब यह है मित्रों कि हमारा संविधान का जो ये संविधान का अनु ये राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन है, वो हमारे राज्य के विधानसभा के जो विधायक है वो मिलकर करवाते हैं। इसका ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है ये चुनाव। जैसे राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान विधानसभा के 200 विधायक मिलकर करेंगे। इतना समझ में आ गया कि उदाहरण देख लेते तो हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राजस्थान के विधानसभा के 200 विधायक मिलकर करेंगे। ये भी समझिएगा आप कि राजस्थान में राज्यसभा के निर्वाचन कराने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के निर्वाचन आयोग की है। किसकी है? भारत के निर्वाचन आयोग की। दोस्तों इसमें ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मेरा एक आप उदाहरण समझिएगा, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष का। ये हमारा होता है प्रत्यक्ष, ये हमारा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है मित्रों, कोई भी 18 साल व्यक्ति या 18 साल के ऊपर वो अपना मत दे सकता है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है मित्रों, आज देखिए प्रत्यक्ष में तो कोई भी हम सीधा वोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हम लोकसभा में, हम विधानसभा में, हम प्रत्यक्ष रूप से मत करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, हम राज्यसभा का उदाहरण लेते हैं। अब मैं एक बात करूं, गांव में चुनाव होते हैं, उस समय हमारा चुनाव होता है गांव में सरपंच एवं वार्ड पंच का चुनाव होता है। दोस्तों गांव में सरपंच एवं वार्ड पंच का चुनाव होता है। हमारे सरपंच साहब को और हमारे वार्ड पंच साहब को हम खुद प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, हमारे सरपंच साहब और हमारे वार्ड पंच साहब, ये दोनों मिलकर किसको निर्वाचन करता है, हमारे उप सरपंच का। उप सरपंच का हमने किसको चुना प्रत्यक्ष रूप से, हमने चुना सरपंच साहब को, हमारे वार्ड पंच साहब को। सरपंच और वार्ड पंच ने दोनों ने मिलकर हमारे उप सरपंच को चुना। तो उप सरपंच का चुनाव हमारे लिए कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से, और सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव हमारे लिए क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से। यही फॉर्मूला राज्यसभा में लगता है। हमने किसका चुना राज्यसभा में, हम चुनते हैं विधानसभा में हमारे विधायक साहब को। यहाँ पे 200 विधायक है, 200 विधायक, ये 200 विधायक है, हम चुनते हैं हमारे विधायक साहब को। विधायक साहब मिलके या उनकी जो गठन होता है वो सारे मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। टेक्निकल टीम नेक्स्ट पेज, धन्यवाद। अब हम देखेंगे राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए।
यही लोकसभा के कार्यकाल को आपसे पूछे, और लोकसभा का हमेशा याद रखिए मित्रों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अपना राज्यसभा की कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। व्यवस्था कुछ ऐसी स्थापित की गई है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं राज्यसभा की 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्णतः समाप्त हो जाता है। राज्यसभा की हमने कार्यकाल देखे कि हमारा 6 वर्ष चलता है और हमारा लोकसभा 5 वर्ष के लिए चलता है। नेक्स्ट पेज टेक्निकल टीम, थैंक यू टेक्निकल मैन। हम देखेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी, इसके अधिकारी कौन होते हैं, तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 84 के व 89 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 64 वह 89 के अनुसार, सॉरी 84 नहीं, यहाँ पे 64 है दोस्तों, 64 वह 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यसभा का उपसभापति आपको पूछे, उपसभापति हमेशा देश का उपराष्ट्रपति होता है, और संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा अपने में से किसी का एक को उपसभापति बनाती है, ठीक है, इसमें पद होता है, एक तो होता है अपने सभापति का, एक उपसभापति का, एक राज्यसभा का महासचिव। उपसभापति हमेशा ध्यान रखना, देश का उपराष्ट्रपति जो भी होता है वो सभापति होता है, और उपसभापति क्या होता है, ये अपने में से किसी एक को चुनते हैं, और राज्य का महासचिव, एक राज्यसभा का महासचिव होता है। नेक्स्ट पेज टेक्निकल मैन, थैंक यू टेक्निकल टीम। मैंने आपको बताया था राज्यसभा सदस्य अधिकतम सदस्य संख्या, वो कुछ मैंने चार्टर के द्वारा समझाने की कोशिश की है, तो समझिएगा। देखिए अधिकतम कितनी होती है, 250 अधिकतम होती है, इसमें 12 अपने राष्ट्रपति मनोनीत करता है, शेष बचे 238, 238 में से 230 राज्य और 8 अपना केंद्र शासित क्षेत्र, तो हमारे टोटल हो गई 230, 8 प्लस 12 250 सीटें हो गई हमारी टोटल। और ऐसे ही हम वर्तमान सदस्य संख्या की हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में सदस्य संख्या है 245, जिसमें हमारे 12 तो आपको पता है मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और निर्वाचित हुए हैं 233, 233 में अगर हम डिवाइड करें तो 225 तो राज्य से और 8 केंद्र शासित क्षेत्र से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से कौन है, देखिए दिल्ली 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4, तो टोटल का हम योग करते हैं 4 3 7 1 8 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 225 और 8 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, टोटल हमारे हो गए 245। धन्यवाद मित्रों, आज का हमारा ये राज्यसभा का जो टॉपिक है आज हम यही संपन्न करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो और हमारा ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।